गिरफ्तार अधिकारी को आज प्रयागराज की ईडी कोर्ट में पेश किया जा रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के कोर्ट कैंपस में। सेंगर भाई थोड़ा सा आप ऐसे आ जाइए, थोड़ा सा ऐसे जी, बस धन्यवाद। सारे जाने की तैयारी है, ये कोर्ट है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज हुए हैं जो कि ईडी से जुड़े हुए मामले देखते हैं, पूरी तरीके से और जैकेट पहने हुआ, काले रंग का चश्मा लगा हुआ है, दाढ़ी रखे हुआ है और ये जो है वो पुलिस की है। आप देख सकते हैं परीक्षण से बाहर लाया जा रहा है उसको, और ये माना जा रहा है कि अब उसको इनकी जो टीम है अपनी कस्टडी में लेकर के यहाँ से रवाना होगी। इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि माफिया मुख्तार अंसारी को यहाँ से ईडी की टीम लेकर के रवाना हो रही है। इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि माफिया मुख्तार अंसारी, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी सुरक्षा बल के साथ उसको कोर्ट में पेश किया गया और अब यहाँ से लेकर के रवाना हो रही है। हालांकि मुख्तार अंसारी के गाड़ी में जा रहा है, मुख्तार अंसारी के वकील हमारे साथ मौजूद है, ये बताए। बैठो भाई, जल्दी बैठो, थोड़ा अंसारी को भाषा जैसे लाया जा रहा है, लाया जा लाया गया था उसी वैन में दोबारा बैठाया गया और अब यहाँ से ले जाने की तैयारी की जा रही है। अभी ये जानकारी कोर्ट से नहीं मिल पाई है कि रिमांड कस्टडी रिमांड मंजूर हुई है कि नहीं, लेकिन अब देख सकते हैं वैन का दरवाजा यहाँ पर बंद हो जा रहा है।